तुम्हारे साथ वली नहीं आया? वही छोड़ के गया मुझे। तो बेटा अंदर बुलाना था, क्या सोचता होगा? उन्हें कहीं जाना था और शाम को आएंगे ना वो अम्मी के यहाँ से मुझे लेने। तुम यहीं रहो ना, आशी के साथ थोड़ा वक्त गुजार लो। उसी का सुनकर तो आई। बहुत अफसोस हुआ मुझे। खुदा ने फखर जैसे लोगों की रस्सी दराज क्यों रखी है? बेटा जिन लोगों की रस्सी इस जहां में दराज होती है, अगले जहां जाकर उन्हें जरूर सजा भुगतनी पड़ती है। आशी कहाँ है? अंदर है, जाओ चली जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फरी। वालेकुम सलाम। शादी बहुत बहुत मुबारक हो तुम। थैंक यू। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। तुम्हारे सामने आओ। अम्मी ने फोन पर मुझे बताया, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मोमिन को तो मेरी वापस आने की खुशी नहीं हुई। मुझे तो उन हालात का सुनकर दुख हुआ था जो तुमने शादी के बाद फेस किए हैं। फखर तो एतबार के लायक ही नहीं था, न जाने कैसे एतबार कर लिया तुम लोगों ने उस पर। एतबार नहीं किया था, इख्तियार दिया था कि किसी के एतबार तोड़ने के जुर्म जिंदगी को सजा बना दे, लेकिन वो भी भाग गया। तुमने फखर को अपने लिए खुद चुना था। हाँ, लेकिन मोमिन की एक आंसू के बदले भी सजा नहीं भुगती मैंने। आशी तुम्हें लगता है तुम्हारी सजा मेरे भाई के आंसुओं का अजाला बन सकती है? नहीं, भाई ने जो दर्द सहा, जो दुख उठाए उन्होंने, उसका अजाला तुम नहीं कर सकती। मुझे तो वो लम्हे नहीं भूलते जब इस घर में मैं अपने भाई की परसाई की दुहाई देते हुए नाकाम लौटी थी। किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। लम्हों की कैद से खुद को आज तक रिहा नहीं कर पाई हूं। मोमिन की बेगुनाही का यकीन ना करके जो गुनाह मैंने किया है, उसके बाद मोमिन के सामने तो मैं नजरें भी नहीं उठा सकती। अगर ऐसा है तो भाई फिर से तुम्हारे साथ के ख्वाब कैसे देखने लगे? तुम्हें पता है उन्हें हमेशा यकीन था कि सब उनका साथ छोड़ देंगे, लेकिन तुम उनका साथ नहीं छोड़ोगी। मगर तुमने तो उनकी यकीन को चकनाचूर कर दिया। उनकी मोहब्बत तो इतनी अंधी है कि सब कुछ भूलकर फिर से तुम्हारे ख्वाब देखने लगे। उनकी मोहब्बत तो नेमत है, और नेमत की नाशुक्री करने वालों का नेमतों पर कोई हक नहीं रहता। तो तुम ये बात मानती हो कि अब भाई पर तुम्हारा कोई हक नहीं? मैंने तो उससे कह दिया कि अब नहीं आया करे यहाँ। आशी, जो मैं तुम्हारे पास कहने आई थी वो सब कहने का तो तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। माया बहुत अच्छी है। भाई की मोहब्बत नहीं है, लेकिन भाई की मोहब्बत के काबिल जरूर है।